एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आप सबका काफ़ी ज़्यादा डिमांड था गोरखपुर मेट्रो पर वीडियो के लिए, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन किया और फाइनली आज मैं आपको पूरा पूरा विस्तार से पूरी पूरी डिटेल देने जा रहा हूँ कि गोरखपुर मेट्रो का काम कहाँ तक आगे बढ़ चुका है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पर अपडेट मिल सके। तो हम शुरुआत करते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने सन 2017 में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया था, शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर ही उन्होंने गोरखपुर में मेट्रो चलाने की घोषणा कर दी और इसी घोषणा करने के साथ ही गोरखपुर में DPR का भी काम चालू हो गया। और गोरखपुर में DPR के ही काम में लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त लगा, जिसमें UPMRC के जो चेयरमैन थे ई श्रीधरन जी, वो भी गोरखपुर उन्होंने भी विजिट किया था जिस टाइम गोरखपुर मेट्रो का DPR बन रहा था। और गोरखपुर DPR बनने के साथ ही मैं आपको बता दूं कि यूपी कैबिनेट ने 9 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर मेट्रो के DPR को हरी झंडी दे दी, यानी कि यूपी कैबिनेट में गोरखपुर मेट्रो को पास कर दिया गया। और इसके बाद से गोरखपुर मेट्रो के DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पास कराना था। इसके लिए योगी गवर्नमेंट ने 20 नवंबर 2021 को गोरखपुर को महानगर क्षेत्र घोषित कर दिया। और गोरखपुर महानगर क्षेत्र में गोरखपुर नगर निगम के अलावा पिपराई, चरगावा, खोराबार, सरदारनगर, जंगल कौड़िया, कैंपियरगंज, भटहन के संपूर्ण एरिया को शामिल कर लिया गया। और इसी के साथ गोरखपुर महानगर की आबादी 25 लाख दिखाई गई और इस DPR को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजा गया, जिसका 1 दिसंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट के PIB की तरफ से भी हरी झंडी दे दी गई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के PIB ने 1 दिसंबर 2021 को हरी झंडी दे दी। हरी झंडी देने के बाद ही अब पिछले साल 2022 में अक्टूबर 2022 में जर्मन बैंक ने गोरखपुर का दौरा किया था और गोरखपुर के दौरे के साथ ही उन्होंने गोरखपुर मेट्रो के लिए 2500 करोड़ रुपये लोन देने की भी घोषणा की है। यानी कि गोरखपुर मेट्रो में जो कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा उस कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जर्मन बैंक 2500 करोड़ रुपए लोन देगा। फिलहाल गोरखपुर मेट्रो का PIB की तरफ से फेज़ वन का ही अप्रूवल मिला हुआ है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि गोरखपुर के अलावा पूरे इंडिया में गोरखपुर, कोझिकोड़े, नासिक, त्रिवेंद्रम और जम्मू, इन इंडिया में इन सिर्फ 5 शहरों को ही PIB की तरफ से हरी झंडी ऑलरेडी दिया जा चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 चुनाव के पहले पहले गोरखपुर मेट्रो का शिलान्यास भी किया जा सकता है। यानी कि ऐसी पूरी पूरी आशंका यही है कि 2024 चुनाव के पहले गोरखपुर मेट्रो का भी शिलान्यास कर दिया जाएगा और कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं गोरखपुर मेट्रो और गोरखपुर मेट्रो रूट की। तो गोरखपुर मेट्रो रूट की अगर हम बात करें तो गोरखपुर मेट्रो 2 फेज़ में होगा, फेज़ 1 एंड फेज़ 2, जिसमें फेज़ 1 में अगर हम मेट्रो स्टेशन की बात करें तो श्याम नगर से लेकर सुबह बाज़ार तक होगा। श्याम नगर, बरगदवा, शास्त्री नगर, नथमलपुर, गोरखनाथ, हजारीपुर, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, यूनिवर्सिटी, मोहद्दीपुर, रामगढ़ताल, एम्स, मदन मोहन मालवीय नगर, उसके बाद मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिव्य नगर, सुबह बाज़ार। और ये फेज़ 1 का रूट होगा जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर होगी। और हम फेज़ 2 की अगर बात करें तो वो गुलहरिया जंक्शन इनक्लेव से शुरू होगा, BRD मेडिकल कॉलेज, उसके बाद से मोगलहा, खजांची, अशोक नगर होते हुए असुरन चौरा, असुरन चौरा से आगे ये कचहरी, ट्रांसपोर्ट नगर, नौसर चौराहे तक जाएगा। बट फिलहाल फेज़ 1 का PIB की तरफ से अप्रूवल मिला हुआ है। और ऐसे तो यूपी गवर्नमेंट ने भी अपने 2022-23 का जब यूपी गवर्नमेंट ने बजट पास किया था, यूपी गवर्नमेंट ने भी 1 अरब रुपये गोरखपुर मेट्रो के काम स्टार्ट करने के लिए भी अलाट कर दिया है। और अगर आप और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करें तो आगरा मेट्रो और मेरठ मेट्रो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और यानी कि आगरा और मेरठ के बाद जो मेट्रो का नंबर है वो गोरखपुर मेट्रो का ही है। हाँ गाइस, गोरखपुर के लोगों को बहुत जल्द मेट्रो का तोहफा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलने वाला है, जिसका शिलान्यास अगले 3 से 4 महीने के अंदर हो सकता है।